महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज है, ऐसे में कौन नेता कहां से चुनाव लड़ेगा इस पर चर्चा जारी है। महायुति और महाविकास आघाड़ी में अपने अपने नेताओं के साथ बैठक का दौर जारी है। इन दोनों गठबंधनों ने अपने सभी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की, सिर्फ बीजेपी ने ही 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। वंचित बहुजन आघाड़ी की भूमिका से महाविकास आघाड़ी संकट में है, इस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने प्रतिक्रिया दी। यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस की ओर से नाना पटोले को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। नाना पटोले ने मीडिया प्रतिनिधियों के सवालों के जवाब दिए। इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने वंचित बहुजन आघाड़ी को महागठबंधन में शामिल करने पर टिप्पणी की। हम सहयोगियों के साथ चर्चा कर रहे हैं, हमने वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ भी चर्चा की। महाविकास आघाड़ी में वंचितों को कैसे शामिल किया जा सकता है इस पर चर्चा चल रही है। आज या कल सीट आवंटन के साथ साथ उम्मीदवारों के नाम भी तय हो जाएंगे। हमारे सहयोगियों की कुछ मांगे हैं। पटोले ने कहा कि वह उन मांगों का समाधान कर आगे बढ़ना चाहते हैं।